सुबह के चंद घंटों में बढ़े 32 नए केस, संख्या हुई 582 से ज्यादा। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, अब आंकड़ा 582 को पार कर चुका है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह कोरोना वायरस के नए केस आए हैं। तमिलनाडु में एक शख्स की मौत भी हो गई है और अब तक पूरे देश में कोरोना से 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात है कि 46 लोग ठीक भी हो गए हैं। दूध सब्जी जैसे जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही सरकार। दिल्ली में लॉकडाउन से दिल्ली के लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार दूध, सब्जी, दवाई और जरूरत का सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। किराना और जरूरी चीजों की दुकानों पर भीड़ जमा ना हो, उसको रोकने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। उन्होंने जरूरी सेवाओं के लिए ई पास जारी करने की बात भी कही। सेंसेक्स 1505 अंक और निफ्टी 413.2। मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार बुधवार को भी बढ़त के साथ खुले हैं। हालांकि शुरुआती आधे घंटे के बाद बाजार में उतार चढ़ाव आने लगा है। अभी सेंसेक्स 1505.67 अंक ऊपर, 28,179.70 पर और निफ्टी 413.75.2 पर 8,214.80 पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले मंगलवार को कुछ समय के लिए बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। हालांकि सेंसेक्स 692.79 अंकों की बढ़त के साथ 26,674.03 पर और निफ्टी 190.80 अंकों की बढ़त के साथ 7,801.05 पर कारोबार खत्म करने में सफल रहे थे। चैत नवरात्रि आज से घट स्थापना के लिए तीन मुहूर्त। 25 मार्च बुधवार यानी आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल यानी रामनवमी तक रहेंगे। आज घट स्थापना के लिए दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त है। काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस नवरात्रि की शुरुआत 5 राजयोगों में हो रही है, जिनका शुभ प्रभाव देश भर में रहेगा। पंडितों के अनुसार इस तरह ग्रहों की शुभ स्थिति से देश में फैली बीमारी और डर का माहौल खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी और देश उन्नति करेगा। इस बार नवरात्र में कोई भी तिथि क्षय नहीं होना शुभ रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए गंभीर है। उसने वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर आगामी ICC इवेंट्स की आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सदस्य देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। यह ऐसा वक्त है जब ओलंपिक स्थगित किया जा चुका है और IPL के आयोजन को रद्द करने के लिए BCCI पर लगातार दबाव बन रहा है। कोरोना महामारी के चलते ICC का शेड्यूल भी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए InstaFeed। धन्यवाद। InstaFeed.